बाबा साहब के बराबर उथे दुर्गियाना मंदिर की फिर कोई जगह नहीं बनती। पन्नू अंकल सर इधर आइए, आपसे कुछ कहना है। सो ये है जुत्तियां वाली पॉलिश, काले मुंह वाला पागल हल क्या होया पन्नू कुत्ता। पन्नू कुत्ता कहता है कि जिते श्री हरिमंदर साहब की स्थापित उद्दे नाल जिहड़ा दुर्गाना मंदिर वो रहन नहीं देना, वो ढाणा है। कहता किन्नी नफरत है हिंदुआ तो, तुसी आप देख लो, मैनू दसन की लोड़ नहीं। हुण तां सबूत है तुहाडे सारयां कोल, श्री राम जी का अयोध्या में जो मंदिर का उद्घाटन से की कुछ नहीं किया, इन्हें दो तीन बंदे भेजे उत्थे अपने उग्रवादी, फड़े गए, अरैसट हो गए। उन्होंने पूछा गया तो गल निकली कि पन्नू पन्नू दे ऑर्डर ते होया सारा कुछ। बड़ी कोशिश की इन्हें, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिद मैंने सुनिया कि मुसलमान ते हिंदुओं नू दंगे कराने की कोशिश की कि जागो सारे मुसलमान। देखो जो श्री राम जी का जो मंदिर बनया ना, सब तो पहले उत्थे उन्हें कुछ रिसर्च शुरू की सी कि वाकया इत्थे श्री राम जी का मंदिर सी या बाबरा मस्जिद से। और जिन्हें वह रिसर्च स्टार्ट की सी वो एक मुस्लिम बंदा सी, मुस्लिम ऑफिसर, इंडियन मुस्लिम। उन्हें बड़ी ईमानदारी नाल अपने रिपोर्ट दे विच लिख के दिता सी कि हाँ जो उत्थे जमीन खोदी अविशेष मिले कि इत्थे श्री राम मंदिर ही सी, 500 साल पहले टाके बाबर मस्जिद बना दी। इस कोई शक नहीं कि औरंगजेब ने बहुत मंदिर अपने टाइम च बहुत हिंदू मंदिर तोड़े सी, उन्हें 500 साल बहुत लंबा समा सी, बहुत लंबा समा। पर 500 साल बाद श्री राम जी का मंदिर बनया उत्थे। हुण पन्नू नू अग ये लगी हुई है कि मैं मतलब उहदे च इन्नी जालस है ना, जातिवाद धर्म हिंदुओं नू लैके, क्रिश्चनस नू लैके, मुसलमानां नाल थोड़ी जी शायद मुहब्बत है क्योंकि उहदा पछोकड़ मुसलमान ही है। हुण तुसीं देखो ये बंदा खालिस्तान की डिमांड करता जिहड़ा हिंदुओं नू गालां कढ़दा, सिर्फ खालिस्तान खालिस्तान, कौन देगा इन्हां नू खालिस्तान? तुहानू भी पता है मैनू भी पता है कदी नहीं मिलना। इस वाहियत बंदे ने तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करती है, जिन्हें जे कहता ना मैं सिख हाँ, ये बंदा कहता है कि मैं सिख हाँ, अगर असली सिख होंदा ये श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी कदी ना करता। हर गुरुद्वारे दे विच ये लोगों ने कब्जा कर लिया, अपने सारे जो भी इन्होंने बंदे मर गए उन्होंने फोटो लातियां उत्थे, कहता सब शहीद आ। मैं अगे भी गल आखी सी कि असी इंसान इन्ने पाक ते पवित्र कदों तो हो गए कि साडियां फोटोआं गुरद्वारियां दे विच लगन लग जाण, इंसानां दियां। सारे इंसान ही आपां इन्ने पाक पवित्र नहीं है कि इंसानां दी पिक्चर परमात्मा दे बराबर लग जाए। चलो मैं उदों भी जनता नूं बड़ा जगाया कि उठो उठो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हो रही है, बचा लो गुरु घरों नूं बचा लो। बहुत लोगों ने शायद मेरी आवाज़ सुनी भी है पर कोई एक्शन नहीं लिता, पता नहीं किस गलों डर जाते हैं। साढ़े भी इतने गुरुद्वारे च यही हाल है, सारे कंधा ते मैं कहनी हाँ स्टूडेंट्स दसदे आपस, जो स्टूडेंट उत्ते प्रशादा खान जाते आपस गल्ला करते हैं, यार आ सारे शहीद ने तो कभी शक्ल भी नहीं देखी, असं तो कभी नाम भी नहीं सुने। इन्होंने तो कहता सारा कहें लंगर होल उग्रवादियों का सैल बनाती, ऐ लगता तुम किसी क्रिमिनल बंद सैल च मिलन गए हो। चलो साड़ी कमेटी कमजोर है, नपुंसतक है, छक्के है सारे साड़ी कमेटी मैंबर वाले, नो डाउट। हुण जदों छक्किया की फौज गुरुद्वारे च होगी तो तुम समझते हो छक्कियां च इन्ना फिर। पर जे मैं छक्के भी कहां ना, इत्थे मैं भी गलत हाँ क्योंकि छक्के भी अपने हक दे लड़ाई सच लड़ाई पिछे बंदे दे चंगी तरह फिर डांग फेरते हैं। नहीं 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 नहीं, इत्थे मैं गलत हाँ, ये छक्के नहीं, हरामजादे हैं। हरामजादा वर्ड इन वास्ते सही होएगा जो अपने गुरु महाराज की बेअदबी अपने अखां दे सामने होंदे देख रहे हैं ते स्वाद लै रहे हैं, तो ही गुरु घर च बह के कुर्सियां ते ठाके मार के हसदे ते उत्थे प्रशादे खांदे आ। सो जिहड़े पन्नू जुत्तियां वाली पॉलिश पन्नू कुत्ते ने ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करती, दसो पाशा नूं पिछे पछाड़ के बराबर अपने बंदियां दी फोटो वाला सुटियां, सोचो वह बंदा किन्ना वाहियात ते किन्ना गिरिया होएगा जिन्हें अपने होली बुक की कदर नहीं की, किसी की भावना की,
किसी की फीलिंग्स की किसी के धर्म की की कदर करेगा। पन्नू का जो मेन मकसद है इंडिया के दंगे फसाद करवाना है। जो 1947 जो पाकिस्तान ते इंडिया डोए बहुत दंगे फसाद हुए थे उसका मेन मकसद आ कि या तो मुस्लिम मेरी गल्लां च आ जाण या हिंदू मैं भड़का के ये कुछ करदा। सो मेरे भारत के सारे जिन्हें भी सिटीजनस ने भारतीय ने सब तो यही बेनती रहती है हमेशा मेरी हर वीडियो च एव जे चवल वाही हत बंदे पिछे लग के कभी लड़े होना। जे तुहानू किते कोई मुसलमानां दी मस्जिद दे बाहर कोई ऐसी चीज़ लिख जाए तो वह कहण भी हिंदुआ का काम आ ट्रस्ट ना करे क्योंकि खालिस्तान वाले ही करनगे। और जे हिंदू मंदिर के बाहर कोई कुछ लिख के जाता तो उन्होंने लगे मुसलमानों का काम आ लड़े हो ना मेरे भरावो क्योंकि खालिस्तान ने गेम खेडनी है तेरे खोते स्थानी वाले ने बहुत गेम करनिया लगे अपनी वोटा वोटा करवा कराई जा भारत सरकार को कोई फिक्र नहीं ना सानू बड़िया मिन्नत पा रहे लोगों दया कह रहे तुम वोट कर आओ वो कोई बाजवा सिंह 3600 वाला जो तुम दस भी कुड़िया कड़िया जनानिया सप्लाई कर दो आप की जनानी भी वो दोस्त नाल जाती है वो कल मैं वीडियो देखी जिहड़ा खुद कुड़ियों का व्यापार करता धंधा करता वह बंदा वीडियो तो कह रहा डरो ना वोटिंग करन आओ ताड़ियां सारियां आइडिया गुप्त रखिया जाणगियां ताड़ी कोई भी आइडिया लीक नहीं कीतियां जाणगियां किसी नूं पता नहीं चलेगा तुसीं खालिस्तान नूं वोटिंग की है तुसीं लोग ट्रस्ट करते हो खालिस्तानियों नूं। जो भारत सरकार ने आइडिया फड़निया है ना तो बंदे फड़ने हैं कि भी भज लियो उन्होंने नज़र च सारे ही है भी कौन कौन जा रहा की कर रहा और जिहड़ा बंदा अपनी देश नाल गद्दारी करता है मेरी गल याद रखे उन्हें धरती ते किसी भी देश दे विच चज दी जिंदगी नसीब नहीं होनी। जिहड़ा अपने ही देश का नमक खा के गद्दारी करता है वह बंदा हमेशा गद्दारां दी लिस्ट विच ही रहेगा उहदा नाम टॉप नंबर गद्दार रहेगा। मेरे वर्गी कुड़ी उठ के बोलती आ तां बहुत गंदे गंदे अपशब्द मैसेज नाल मैनूं नवाजिया जांदा बड़े रिस्पैक्टफुल गालां कढ़ियां जांदियां एंड रिस्पैक्टफुल 10-10 किलो दियां गालां मैनूं बड़े ही गंदे भद्दे शब्द उहदा वजह मैं एक औरत हाँ और डर जूंगी कमजोर होऊंगी अपनी इज्जत बारे डर जूंगी कि हाँ लोग की कहेंगे मेरे बारे ऐ बोल रहे बहुत कुछ किया है खालिस्तानी दे गुंडिया ने मेरे नाल बहुत सोशल मीडिया ते गंद पाया। देखो मेरी वीडियो तो आज भी आती है मैं तो पहले भी बोलती थी मैं तो आज भी बोल रही हूँ चुप करा लिया नहीं वजह कि जदों असी किसी गल का स्टैंड ले लें ना तुसी जिंदगी किसी चीज़ ना स्टैंड ले लिया किसी गलते उस स्टैंड ते खड़े रहो बहुत तूफान अंधेरी मीह आणगे घबरायो ना यह जिंदगी आ हमेशा सच्चाई दे राह ते चलो ते सच्चे बंदे दा साथ दो क्योंकि अक्सर मैं देखिया कि लोग ताडे मूँह ते ताडी प्रेस करदे आ पर पिठ पिछे छुरे मारदे आ ये गंदियां आदतां छड्ड दो तुहानूं कोई नहीं पसंद आ उहनूं ना बुलाओ पर किसी पिट पिछे भी अगले की नजायज़ जो तुहानूं उहदे बारे पता ही ना हो कि वह बंदे की की रिपोर्ट आ पिछोकड़ की है नजायज़ किस की मिट्टी ना करो। वैसे थोड़े दिन पहले मैं भी हर्ट हुई सी मैं एक बंदे की बड़ी इज्जत करती सी तो वह भाजी मैनूं कहिंदे तू साडी धी भी है साडी भैन भी है तो मैं उन्होंने वड्डे भरा वांगू समझिया पर मैं काफ़ी बीमार सी नवंबर की गल है 5-6 दिन मैं छुट्टी लेते घर रैसट की मैनूं काफ़ी फीवर हो गया उस शख्स को पता सी पर वो बंदे ने 5-6 दिन विच एक भी फोन करके नहीं पूछा कि नैन्सी तू ठीक आ कोई चीज़ कोई लोड़ चाहे कोई रोटी पानी दी या कितने डॉक्टर दे जाना कोई भी बंदा चलो सुख एक देखो भुखा नहीं हुंदा कोई भी किसी की रोटी पानी का कोई भुखा नहीं हुंदा पर एक वर्बली किसी को पूछना ना बंदे को थोड़ा अच्छा फील हुंदा कि यार मैंने पूछा किसी ने वो बंदे ने मैं लालता भी पाई सी फोन करके भी जो उसकी सकी भैन हुंदी वो ऐं करदा फिर बाद मैं सोचा नहीं यार जिहड़े बंदे ने अपनी माँ की सेवा नहीं की जिन्हें अपने माँ को दो घड़ी अपने नाल नहीं रखिया सेवा नहीं की किसी दिन किसी भैन की बनाएगा मेरा मन बड़ा खराब होया मैं बड़ी अपसैट हुई मैं अपने मदर ने भी गल शेयर की मेरी मम्मी कहते चंगा तेरी अखा तो खुलिया तू तो कहती सिर अखा तो बिठाया से बंदे तू तो सिर अखा पलकों पर बिठाती तेरा जबान नहीं सुकती सी मैं कह नहीं माता कोई दुनिया च भरा नहीं बनता सब कुत्ते ते कंजर होंदे आ पर परमात्मा देखदा सबनों कर्मों का हिसाब इत्थे देना पैंदा और मिलता भी है। जय हिंद।